अपनी काशी बहुरंगी सांस्कृतिक नगरी है। यहां भगवान शंकर का पावन ज्योतिर्लिंग है, मणिकर्णिका जैसा मोक्ष तीर्थ है, यहां सारनाथ जैसा ज्ञान स्थल है। दशकों दशक बाद बनारस के विकास के लिए इतना काम एक साथ हो रहा है, वरना काशी को तो जैसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया था। इसलिए आज मैं हर काशीवासी के सामने एक सवाल उठा रहा हूं, आखिर वो कौन सी मानसिकता है जिसके चलते पहले काशी को विकास से वंचित रखा गया। 10 साल पहले की स्थिति याद करिए, बनारस को विकास के लिए तरसाया जाता था। जिन लोगों ने यूपी में लंबे समय तक सरकारें चलाई, जो लोग दिल्ली में दशकों तक सरकार में बैठे रहे, उन्होंने कभी बनारस की परवाह क्यों नहीं की? इसका जवाब है परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ऐसे दलों के लिए बनारस का विकास न पहला प्राथमिकता में था, न भविष्य में कभी होगा। इन दलों ने विकास में भी भेदभाव किया, जबकि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। हमारी सरकार किसी योजना में भेदभाव नहीं करती। हम जो कहते हैं वो डंके की चोट पर करके दिखाते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में हर रोज लाखों लोग रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की बात भी बरसों से लटकी रही थी, यह ऐतिहासिक काम भी हमारी सरकार ने पूरा किया है। 3 तलाक की कुरीति से कितने ही परिवार पीड़ित थे, मुस्लिम बेटियों को इससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया। ये भाजपा सरकार ही है जिसने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। ये भाजपा सरकार है, एनडीए सरकार ही है जिसने बिना किसी का हक छीने गरीबों को 10% आरक्षण दिया।